सब्सक्राइब कीजिए करियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटे के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं पश्चिम बंगाल की तरफ से जारी की जाने वाले ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी। दोस्तों ये जो वैकेंसी जारी की गई है काफी ज्यादा पॉजिटिव वैकेंसी है जिसमें लगभग 6000 से ज्यादा वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी यह आपके लिए होने वाली है। इसमें हम डिटेल्स में बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है। और दोस्तों खास बात इस वैकेंसी की यह है कि ये टोटली मेरिट पे होने वाली वैकेंसी है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। और दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी वहां पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बगल में घंटी का निशान आएगा उसको भी दबा दीजिए जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पा सके जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बात करने के लिए हम आपको ले चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहां पे सब कुछ डिटेल्स में समझा के बताएंगे। लेकिन ध्यान रहे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम आपको लैपटॉप पे ले चलते हैं वहां पे सब कुछ डिटेल्स में समझा के बताते हैं। तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी है पश्चिम बंगाल की तरफ से जारी की गई है। दोस्तों मैं बता दूं कि फॉर्म भरने के लिए इस वैकेंसी का आपको ये वाली लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी इस पेज की, आप यहां पे आइएगा यहीं से वैकेंसी के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं और यहीं से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देखेंगे नीचे सारी लिंक अप्लाई करने की दी गई है तो आप इस पेज पे आके जो है फॉर्म को भर सकते हैं, इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों सरकारी जॉब फाइंड .com वेबसाइट है, इस पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कई सारे सेक्शन इसमें बने हैं, लेटेस्ट ऑनलाइन फॉर्म, अदर जॉब फॉर्म, एडमिट कार्ड, तो सभी फॉर्म आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को भी जरूर से देखा कीजिए, इसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। या तो आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब, जैसे आप गूगल में सर्च करेंगे सरकारी जॉब, आपको सरकारी जॉब सर्च करते हैं ये वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी सरकारी जॉब फाइंड .com के नाम से। तो इस वेबसाइट को जरूर से आप दिन में 3 से 4 बार देखा कीजिए क्योंकि रोज के रोज वैकेंसी इस वेबसाइट पे अपलोड होती हैं। तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सबकी वैकेंसी एक ही जगह पे मिलेंगी। तो आते हैं वैकेंसी के बारे में। तो ये ग्रामीण डाक सेवक की जो वैकेंसी होती है, आप जानते हैं ग्रामीण डाक सेवक क्या होते हैं। जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं वो डाक विभाग में काम करते हैं एज ए पोस्टमैन, एज ए अदर्स, तो अलग अलग इनका जो है काम करने का फील्ड है। तो ग्रामीण डाक सेवक की वही पोस्ट है। अप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जा रहा है ये 5 अप्रैल से भरा जा रहा है, लास्ट डेट की रखी गई है 4 मई, तो काफी जो है दिन है, तो आप फॉर्म को जरूर से भर लीजिएगा। पेमेंट करने की लास्ट डेट 4 मई ही है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपए, एससी एसटी के लिए फीमेल के लिए कोई फीस नहीं रखी गई है। दोस्तों आपको फीस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन फीस से जमा करने के लिए जो ये इसमें ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी है इसके एप्लीकेशन फीस जमा करने के लिए आपको जो आपका जो वहां पे प्रधान डाकघर होगा वहां पे जाकर वहां पे फीस जमा करनी होगी। यहाँ पे आपको चालान से या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड के, नेट बैंकिंग से किसी भी तरीके से फी पेमेंट करने का ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आपको वहां पे जाकर जहाँ पर आपका मुख्य डाकघर होगा या आपके जो जहाँ रहते होंगे वहां जो पोस्ट ऑफिस होगी वहां पे जाके आपको फीस जमा करनी होगी। यदि आप जनरल ओबीसी के लिए हैं तो आपको जमा करनी होगी, यदि आप एससी एसटी के लिए हैं, फीमेल कैटेगरी के हैं, पीएच कैटेगरी के हैं तो आपको फी जमा करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। टोटल जो है 5778 पोस्ट की वैकेंसी है, तो काफी ज्यादा पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें आपको जनरल के लिए 2760, ओबीसी के लिए 1328, एससी के लिए 1184, एसटी के लिए 286, तो बहुत काफी सारी पोस्ट की वैकेंसी है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है 10 पास मांगा गया है एंड 3 साल का सॉरी 3 महीने का कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट मांगा है। दोस्तों 10 पास के बाद जो है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा है। तो दोस्तों यदि आप 10 पास हैं, आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है तभी आप फॉर्म को भर दिए और अभी से कंप्यूटर का सर्टिफिकेट में लग जाइए तो आपको एग्जाम होने तक आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ये जो है 10 पास के साथ ये चीजें मांगी गई है। जो है उम्र की बात करें तो 18 से 40 साल उम्र मांगी गई है, 5/4/2018 को उम्र काउंट होगी। और जो है सिलेक्शन प्रोसेस बेस्ड ऑन मेरिट लिस्ट, वो सिलेक्शन प्रोसेस टोटली मेरिट लिस्ट जो है मेरिट बनाई जाएगी, आपके परसेंटेज जो है 10th पे तो उसके हिसाब से मेरिट बनाई जाएगी और ये सिलेक्शन प्रोसेस ऐसा रखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर पाएंगे और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं, नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, फी पेमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। दोस्तों कुछ और बातें इस वैकेंसी के बारे में बता दूं कि इस जो है फॉर्म को वेस्ट बंगाल के लोग ही भर सकते हैं, आउट ऑफ वेस्ट बंगाल नहीं भर सकते क्योंकि इसमें वेस्ट बंगाल का जो है इसमें आपको निवासी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। कुछ और राज्यों के यहाँ पे दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि
यदि आप वेस्ट बंगाल के नहीं हैं तब भी आपको उसके जो अगल बगल के राज्य हैं तो उनका उनके जो है उनका भी उनके लिए भी ये है फॉर्म, तो आप देख लीजिए नोटिफिकेशन में जाके। लेकिन वे वेस्ट बंगाल के ही लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, जहां तक वेस्ट बंगाल के लोग ही इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मांग गया है वेस्ट बंगाल का निवासी होना चाहिए। तो ये रहे फॉर्म के बारे में सारी डिटेल्स। यदि आपको कोई सवाल है फिर भी तो मुझे बताइए कमेंट के थ्रू, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी ऐसे नए वीडियो के साथ एक नए वैसे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।